स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। देश में कई तरह की घास पाई जाती है, इन्हीं में से एक घास को बिच्छू घास नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं किसे कहते हैं बिच्छू घास? अगर नहीं तो चलिए कुछ ऑप्शन देते हैं। नेपियर, गाजर घास, कंडाली, बरमूडा घास। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको किसे कहते हैं बिच्छू घास? चलिए हम ही बता देते हैं, इसका सही जवाब है कंडाली घास। अब जान लेते हैं इसका नाम क्यों पड़ा बिच्छू घास और क्या है इसकी खासियत। बिच्छू घास उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में पाई जाने वाली घास है, जिसे छूने से भी सब डरते हैं। इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे बाल जैसे कांटे होते हैं। पत्तियों के हाथ या शरीर के किसी भी अंग में लगते ही उसमें झनझनाहट शुरू हो जाती है। लोगों का मानना है कि इसका असर बिच्छू के डंक से कम नहीं होता, इसलिए इसे बिच्छू घास कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अर्टिका हाई ओका है। इसे उत्तराखंड के कुमाऊं में सिसुर और गढ़वाल में कंडाली कहते हैं। बिच्छू घास एक बारहमासी जंगली जड़ी बूटी है, जिसे अक्सर खरपतवार या बेकार समझा जाता है, लेकिन ये औषधीय जड़ी बूटी परिवार से जुड़ा है। ये मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इस पौधे के पत्ते, जड़ और तने सब उपयोगी हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में कमजोरी, मूंछ, जकड़न, मलेरिया के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। दर्द होने पर ये पेन किलर के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें विटामिन ए, बी, डी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिच्छू घास सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें बहुत ही विटामिन और मिनरल के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। बता दें कि इससे साग सब्जी भी बनाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।